नितिन जी, बीडीएल कैसा दिखता है, भारत डायनेमिक्स? सर एक अच्छा स्टॉक्स है, सारे गिरते हुए स्टॉक्स के बीच में इसको मैं बोलूंगा, अगर बाइंग करना है एक अच्छा लेवल में दे रहा हूं बाइंग करने के लिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी के हिसाब से 683 रुपए का वेट कर लो। 683 के ऊपर अगर ये उठता है तो ये इमीडिएटली आपको 774 ले जाता है। तो मैं बोलूंगा आप 683 रुपए का वेट कर लो, 75 से 83 के बीच में आंसर करो, आपको वहां पर एक अच्छा पुल बैक दिखेगा 774 रुपए तक के लिए। पर अभी इंटर मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ, बहुत ज्यादा गिरावट इसके अंदर में नहीं दिख रही है। ठीक है, बहुत सारे गिरावट नहीं दिख रही है तो इसमें दूसरी चीज कह रहे हैं, और ये स्टॉक स्पेसिफिक अलग अलग एनालिसिस और इससे अंदाजा लगाइए कि जहां एक और बाजार पे व्यू कुछ और है नितिन जी का, लेकिन स्टॉक्स में अलग अलग और चार्ट जो बता रहे हैं उस हिसाब से बता रहे हैं। इस स्टॉक के अंदर वीनस काम कर रहा है और वीनस इस स्टॉक को बहुत ज्यादा गिरने नहीं दे रहा है और गिरने नहीं देगा आगे। और जो लास्ट रैली जो हमारी स्टॉक में थी नीचे में नियर अबाउट 410 से 400 से, जस्ट बिकॉज ऑफ द वीनस। वीनस इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और ये इसको संभाल रहा है और आगे भी इसको संभालेगा। इसमें वीनस कह रहे हैं ग्रहों के हिसाब से, और बाकी अगर खबरों के लिहाज से बात करें तो डिफेंस सेक्टर का शेयर है, सरकार राजनाथ सिंह ने कितना अनाउंसमेंट्स और वाली सारी चीजें, बड़ा फंड एलोकेट कर दिया है कि इंडियन कंपनीज में ही जाएगा जो कि डिफेंस रिलेटेड खरीदारी है, बाहर से ना करके हम इंडियन कंपनीज से करेंगे। उसका एक अच्छा बड़ा कैंडिडेट बीडीएल है, भारत डायनेमिक्स, जिसको कि उसका एडवांटेज भी मिल सकता है। तो हर तरीके से देखते चाहिए, टेक्निकली भी देखिए, ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से भी देखिए, और खबरों के लिहाज से फंडामेंटल्स पे भी देखिए।